बात की आपने, बट जो 2018 के अंदर हमारे पास हो रहा है था एक्ट फ्रेश डेयरी फार्म के, तो उन्होंने हमें बताया था कि ना अगर आप ब्रीडिंग पे काम करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास क्रॉस के जो नॉर्मल जानवर है जिनके एवरेज 10 या 12 लगा लें आप या 15 लगा लें, अगर आप अस्सलाम वालेकुम, आज हम डॉक्टर शोएब साहब से डेयरी फार्मिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर वालेकुम साहब साहब, आज हम आपसे डेयरी फार्मिंग के हवाले से बात करेंगे कि जानवर डेयरी फार्मिंग के हवाले से कौन से बेहतर है, क्रॉस ब्रीड के जानवर होने चाहिए या प्योर होने चाहिए या बफलो फार्मिंग। आजकल तो वैसे रहा है पाकिस्तान के अंदर रहा है पाकिस्तान के, उस वक्त तो हमारे जो एचएफ सीजन है उसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो दूध एक तो अच्छा देती है और इसके अलावा जो उसकी फैट वगैरह होती है उसको आप मेंटेन करने के लिए ब्रीडिंग क्या करते हैं, तो एक तो दूध अच्छा देती है, आपके क्राइसिस जो है ना वो सारे पूरे हो जाते हैं जिसके अंदर आपका ब्रीडिंग की कॉस्ट है और आपको कुछ ना कुछ बच भी जाता है। इसके अलावा क्रॉस के जो जानवर हैं उनमें आपके जो जानवर हैं क्रॉस के हमारे पास जो ए ग्रेड के जानवर हैं ना वो भी 40 टच कर जाते हैं, और अगर आपके पास अच्छे क्रॉस के जानवर हैं जिनमें एचएफ पे चौरस्तानी का क्रॉस हो उनपे तो गर्मी जो है ना वो कम असर करती है, अगर आप जिस तरह का उनको माहौल देते हैं उस तरह पे वो लग जाते हैं, अगर आप उनको जैसा कि फ्रीजन के बच्चे हैं एचएफ के बच्चे होते हैं उनको हम 90 डेज तक 6 तरह की वैक्सीन जो है ना वो दे देते हैं, और जो होते हैं ना जी हमारे दूसरा क्रॉस के जानवर उनमें हम वैक्सीन जो जो 2014 से पहले हम सुन रहे थे कि कोई वैक्सीन नहीं होते थे, सिर्फ दो वैक्सीन होती थी इसमें एक गलघोंटू और दूसरी जो है ना एपेंडिसाइटिस वैक्सीन, तो अगर नस्ल वाइज देखा जाए तो एच एम वाले जो हमारी समझ में आती है। इसके अलावा जो क्रॉस के जानवर हैं अच्छे इनकी एवरेज जो है ना वो 30+ हो तो वो समझ में आते हैं, अदरवाइज जो ऑस्ट्रेलियन है इनकी एवरेज भी अच्छी रहती है वो आप रखते हैं, या फिर आप प्योर के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादातर एच एफ भी चलती है अमेरिकन लोग। जी बिल्कुल सर, सब आपने जैसा बताया हमें कि डेयरी फार्मिंग में प्योर जानवर होने चाहिए या एक प्योर जानवर हमारे पास है उसको हम क्रॉस करवा लें, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे पास जो फार्मर है वो छोटा फार्मर है, उसके पास तो ना तो इतनी कैपेसिटी है कि वो 8 लाख 10 लाख का प्योर जानवर ले सके और ना ही उसके पास प्योर जानवर मौजूद है। अब क्या वो जानवर कैसे अपने नस्ल को इम्प्रूव करे कि जो उसके पास मौजूद है, जो लोकल मार्केट से उसको मिल रही है या जो अभी गाय उसके पास मौजूद है कि वो उसको बेहतर कर ले, और कितना टाइम उसको लगेगा कि उसकी आने वाली नस्ल जो है वो बेहतर होगी, अच्छा दूध। जी बहुत अच्छी बात की आपने, बट जो 2018 के अंदर हमारे पास हो रहा है था एक्ट फ्रेश डेयरी फार्म के, तो उन्होंने हमें बताया था कि ना अगर आप ब्रीडिंग पे काम करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास क्रॉस के जो नॉर्मल जानवर है जिनके एवरेज 10 या 12 लगा लें आप या 15 लगा लें, अगर आप नस्ल पे काम करना चाहते हैं तो उसको आप 3 जो उसकी आने वाली नस्लें ना उन पे काम करें, उस पे आप ब्रीड इम्प्रूवमेंट करें। अगर हमारे पास ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो छोटा फार्मर है उनके पास जो एवरेज जो दूध आता है ना वो 15 लीटर की एवरेज आती है, तो उसके अंदर अगर आप सेक्सिमन यूज करते हैं, सेक्स भी कहते हैं कि खैर अल्लाह खैर सलाह के मजलों पर जाते हैं ज़्यादातर, तो वो भी हज़ार घर बार लेते हैं वो भी कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं, तो बेहतर है कि आप 3 नस्लें जो है ना किसी भी नस्ल की उन पे अच्छा काम कर लें, उनके जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट है उन पे काम करें, आने वाली जो तीसरी नस्ल होगी ना वो आपकी जो एचएफ है ना वो बन जाएगी अलग से, और अगर आप क्रॉस के अच्छे जानवर हैं तो फिर अच्छी ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी होती है उसके अंदर, अच्छा दूध भी देते हैं आपके अपना जब पूरे करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बात की है कि ब्रीड को इम्प्रूव करें, तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के हवाले से किस तरह से हम काम कर सकते हैं कि अगर तो हम जानवर को जो है वो ब्रीड करें इस तरह से कि वो कॉलिंग जाके हमारे पास सितंबर या अक्टूबर में हो, तो आगे ब्रीडिंग सीजन हमें मिल जाएगा जिसमें हम मार्च तक उसको इंसेमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी कॉलिंग इस तरह से करें कि वो मार्च या फरवरी में हमें कॉलिंग हो रही है, तो आगे आके गर्मी है तो ब्रीडिंग सीजन है, मुश्किल होगा टाइम हमारे लिए कि हम उसको इंटरमीडिएट कर सकें,
लेकिन अगर हम इसके अपोजिट देखें तो जो दूध है दूध के लिए मार्चवादी जो काविंग है वो बेहतर है, लेकिन इंसेमिनेशन के लिए जो है वो सितंबर वाली काविंग बेहतर है। तो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसमें जो है वो फार्मर को ज्यादा बेनिफिट होगा, कौन सी आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, बात ये है कि अगर आप क्रॉस के जानवरों पे काम कर रहे हैं ना, जिनकी एवरेज 15 लीटर है, अगर आप उनको मार्च के अंदर फास्फेट करवाना चाह रहे हैं तो आपको जाहिर बात है कि आप अगस्त में उनको प्रेगनेंट करेंगे तो फिर वो जाके फरवरी मार्च के अंदर आएंगे या मे बी इसके भी बाद। तो वो दूध का जो ड्रॉप होता है ना, जो बिल्कुल क्रॉस के जो जानवर होते हैं जिनकी 15 लीटर एवरेज होती है, उनका जो पीक होती है ना वो कुछ दिनों के लिए होती है, यानी कि 2 माह के बाद उनके ना ड्रॉप आते हैं दूध के अंदर। और जो अच्छे जानवर होते हैं यानी कि एचएफ के जानवर हैं, ऑस्ट्रेलियन जानवर हैं, वो उनकी पीक ना अच्छी जाती है, यानी कि 30+ पे वो जा रहे होते हैं एवरेज पे, 3 माह 6 माह, 6 माह पे भी वो 30 लीटर की एवरेज दे रहे होते हैं, जो कि नॉर्मल जानवर आते हैं जो पिछले दिनों में नवम्बर के अंदर हमने जानवर लगवाए थे ऑस्ट्रेलियन, तो वो तकरीबन हमें $3,500 का एक जानवर मिला था। और आप इस दिनों में आप अगर मल्टीप्लाई करें ना 280 के साथ से 285 के साथ, तो उस वक्त हमें ₹205 का डाला था, तो $3,500 का हमें मिला था, तकरीबन 6-7 लाख रुपये का उस वक्त मिला। तो अगर दूध वाइज अगर देखा जाए तो क्रॉस के जो जानवर है ना उनमें आप जो 15 लीटर की एवरेज दे रहे हैं उनको आप जल्द से जल्द प्रेगनेंट करें, ताकि दूध का ड्राफ्ट तो आना ही आना है उसके अंदर। ये बात नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं करते दूध अच्छा देते तो कुछ आपको पीस मिलेंगे आपके जानवरों में से जो कि 15 लीटर की एवरेज दे रहे हैं और वो लंबा ले जाएंगे। अगर आप उन पे काम करेंगे आगे आपके पास अच्छी नस्ल आ जाएगी। और अगर सीमन ड्राई पीरियड जो होता है ना इनके अंदर ज्यादा आ जाता है, जो क्रॉस के जानवर होते हैं इनके अंदर कंसीव जो होते हैं ना वो जानवर जल्दी कर जाते हैं, बाकी जैसे ही कंसीव करते हैं 1-2 माह दूध देते हैं। अगर आप सही बात पे भी चले जाए ना, 3 माह दूध देके उसके बाद जैसे ही प्रेग्नेंट होगी 1 माह दूध देके मेरा ख्याल है या 2 माह देके टांगे मारना शुरू कर देते हैं। जो एचएफ के जानवर होते हैं वो आपने अपनी मर्जी से छोड़ने होते हैं, जब सीमन कर लेते हैं, सीमन करने के बाद आप 6-7 माह तक उतना दूध लेते हैं, उसके बाद जाके जानवर आप खुद ही छोड़ते हैं, ट्राई करना पड़ता है बाउस का। जो हमारे पास जानवर थे ना एचएफ के जो एवरेस्ट डेयरी फार्म पे, उनके अंदर जो जानवर का दूध था वो 40 लीटर, कुछ जानवर जो थे ना वो 15-16 लीटर पे हम ड्राई कर रहे होते थे 8-9 माह के अंदर, तो उनको ट्यूशन चढ़ा के तो फिर हम ड्राई करते थे। बट जो क्रॉस के जानवर हैं बिल्कुल जो 15 या 10 लीटर दूध दे रहे होते हैं फिर वो कम दूध देते हैं, तो आप ब्रीड इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर चले जाएँ या फिर उसकी नस्ल आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेक्स सीमन पर जाएँ, उन आगे आगे अच्छी बछड़ियाँ आपके पास हैं उनके अंदर आपको अच्छे जानवर भी मिलेंगे। कुछ आपके जो जानवर है ना जब दूध पे आएंगे तो वो माँ पे ही आएंगे, और कुछ जाना वो बोल पे चले जाएंगे, वो अच्छा दूध दे जाएंगे आपको, वो भी 6-7 माह तक दूध दे जाएंगे आपको। अच्छा, ये जो इंसेमिनेशन है इसमें कौन सा जो मेथड आप रिकमेंड करते हैं, कि क्या हम जो है वो नॉर्मल सीमन कन्वेंशन यूज करें या फिर सेक्स सीमन जो है इसको हम यूज करें? क्या इस पे कोई मौसम का असर भी होता है कि गर्मी है तो हम सेक्स या नॉर्मल यूज करें, या सर्दियों का मौसम है तो हम उसमें नॉर्मल यूज करें या सेक्स सीमन यूज करें? कौन सा सीमन बेहतर है किस मौसम के लिहाज से? ये मिड अप्रैल जो होता है ना, मिड अप्रैल के बाद आप ना जो कन्वेक्शनल सीजन होता है उसके चले जाएं, जिस तरह फार्म पे जो सीजन होता है ना ब्रीडिंग सीजन, उनमें आप कहीं भी सेक्स हम ज्यादातर सेक्स में टोटली सेक्स में यूज करें, यानी कि जो पहली दो ट्राई होती है ना जानवर, अगर आपका रिपीटर है एक मरतबा रिपीट किया है, दूसरी मरतबा रिपीट किया, तीसरी मरतबा हम उसको भूल के हवाले कर देते हैं, फिर चाहे वो बछड़ी है या फिर बछड़ा है उससे हमें सरोकार नहीं होता, फिर हमें सिर्फ प्रेगनेंसी से सरोकार होता है कि जानवर प्रेगनेंट हो जाए। पहले जो दो ट्राई करें ना आप सेक्स की करें, उसके बाद आप कन्वेंशनल पे चले जाएं, कन्वेंशनल पे तीसरी पे नहीं होता, फिर आप जाके बुल पे चले जाएं। कुछ जानवर जो होते हैं ना क्रॉस के जो जानवर होते हैं वो लगे बुल पे होते हैं, वो बुल के अलावा वो प्रेगनेंट होते ही नहीं, तो वो आप भूल के वाले कर दें और कोशिश करें उससे जांच करवा लें। जो जानवर आप अगर आप ब्रीड इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फिर आप सेक्स की तरफ, सीमन की तरफ।